कोई शादी तो देखे मुस्तफा के नौनिहालों की, जनाबे फातुमा के प्यारे प्यारे दोनों लालों की। जमाने को दिखाया ये मोहम्मद के घराने ने के शादी होती है यूं देख लो अल्लाह वालों की। जमाने को दिखाया ये मोहम्मद के घराने ने के शादी होती है यूं देख लो अल्लाह वालों की। कैसे होती है एक कता और समात फरमाए। अजल ही में ये आदम पर खुलासा बात फरमा दी, जरूरी है जहां में आदमी को खाना आबादी। बहुत सी शादियों के जश्न, बहुत सी शादियों के जश्न देखे और सुने होंगे, सुनाए हम तुम्हें शहजादे इस्लाम की शादी। बहुत सी शादियों के जश्न देखे और सुने होंगे, सुनाए हम तुम्हें शहजादे इस्लाम की शादी। आइए हजरत इमाम हुसैन की शादी का वाकया यहाँ से समाप्त करें। गुल है ये हिदायत के इन्हें मोमिनो चुनो, गुल है ये हिदायत के इन्हें मोमिनो चुनो। कैसे हुई हुसैन की शादी जरा सुनो, कैसे हुई हुसैन की शादी जरा सुनो, कैसे हुई हुसैन की शादी जरा सुनो। गुल है ये हिदायत के इन्हें मोमिनो चुनो, गुल है ये हिदायत के इन्हें मोमिनो चुनो, गुल है ये हिदायत के इन्हें मोमिनो चुनो। कैसे हुई हुसैन की शादी जरा सुनो, कैसे हुई हुसैन की शादी जरा सुनो, कैसे हुई हुसैन की शादी जरा सुनो, कैसे हुई हुसैन की शादी जरा सुनो। समीन यहां से पहला बंद मुलाहजा फरमाइए। ये वाकया है सिबते पैगंबर की शान में, लिखा है समझने को ये सादा जबान में। ये फातिमा जहरा के पिसर का है वाकया, तारीख से इस्लाम की है नज्म ये किया। हाँ वो हुसैन जो के बड़े खुश जमाल थे, भाई हसन के और वो हैदर के लाल थे। ऐसे शहीद जिन पे शहादत को नाज है, सरकार दो जहान की उम्मत को नाज है फख्र सदाकत को शुजात को नाज है। ऐसे इमाम है के इमामत को नाज है, बरगे गुले थे दंदान आपके, गुफ्तार की तो दहन से मोती बरस पड़े। नूरानी ऐसा चेहरा के शम्सों कमर फिदा, नूरानी ऐसा चेहरा के शम्सों कमर फिदा, नूरानी ऐसा चेहरा के शम्सों कमर फिदा।
जिन्नो बशर की हूर मलक की नजर फिदा, जिन्नो बशर की हूर मलक की नजर फिदा, जिन्नो बशर की हूर मलक की नजर फिदा, जिन्नो बशर की हूर मलक की नजर भला कौन कर सके, दोनों की सिफत एक थी दोनों हसीन थे, उनके खुदाए पाक ने भी नाज उठाए, बचपन में खिलौने उन्हें रूहुल अमी लाए, नाना से अपने सब्र की दौलत उन्हें मिली, वालिद से अपने शान शुजात उन्हें मिली, माँ फातिमा जहरा से कनात उन्हें मिली, अल्लाह से तोहफे में शहादत उन्हें मिली, सरकार मुस्तफा गए बचपन में छोड़कर, दारुल बका को वालिदा भी कर गई सफर, हजरत अली ने परवरिश करके जवा किया, तो जज्बे ईमान मुजाहिद बना दिया, वो खूने हाशमी था रगों में जनाब के, बातिल परस्त कांपते थे उनके नाम से, वो दोनों भाई साहिब जाने बहार गुलशन इस्लाम बन गए, जाने बहार गुलशन इस्लाम बन गए, जाने बहार गुलशन इस्लाम बन गए, जाने बहार गुलशन इस्लाम बन गए। जान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बचपन में इन दोनों को छोड़कर चले जाते हैं, और वालिदा माजिदा हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी छोड़कर चली जाती हैं। हजरत अली शेरे खुदा आपके वालिदे मोहतरम आपकी परवरिश करते हैं, वो दोनों भाई साहिब इकराम बन गए, जाने बहारे गुलशन इस्लाम बन गए, लेकिन उसके बाद क्या होता है समाज के लिए। ऐ दोस्त तो अब गौर से सुनिएगा वाकया, है सच्ची अकीदत तो बड़ा लुत्फ आएगा, सरकार मुस्तफा ने वो जलवे दिखा दिए, के दुश्मना ने दीन मुसलमा बना दिए, सबको सिखाए आपने आदाबे जिंदगी, के फर्ज है सब बंदों पे अल्लाह की बंदगी, जो जुल्म के बानी थे उन्हें दर्स वो दिया, इंसानियत पे आए वो और छोड़ दी जफा, सल्ले अला ये देखिए रुतबा हुजूर का, के पत्थरों ने पढ़ लिया कलमा हुजूर का, जब दीन मुकम्मल हुआ तो रब ने ये कहा, अब खत्म हमने तुम पे नबुवत को कर दिया, सरकार आए दौलत ईमान दे गए,
तशरीफ ले गए। फिर उनके बाद हो गया सिद्दीक का विसाल, ईमान वालों को हुआ इसका बड़ा मलाल। इत्तफाक सारे सहाबा ने ये कहा, इत्तफाक सारे सहाबा ने ये कहा, इत्तफाक सारे सहाबा ने ये कहा, हजरत उमर को अपना खलीफा बना लिया। शादी का वाकया सुनने जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सरकारे दुआलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत सिद्दीक अकबर खलीफा बनते हैं। जब सिद्दीक अकबर का विसाल हो जाता है तो सब लोग इत्तफाक राय से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बना देते हैं। उसके बाद हजरत उमर जब खलीफा बन गए तो क्या हुआ सुनिएगा। हजरत उमर खलीफा हुए सबने जब सुना, तो दुश्मना ने दीन में एक तहलका मचा। इंसाफ करके आपने ऐसा दिखा दिया, दुनिया में अपने अदल का सिक्का जमा दिया। हैरत थी सबको आपका इंसाफ देख के, बेटे की लाश पर भी तो दुर्रे बजा दिए। हजरत हजरत उमर का इंसाफ पूरी दुनिया में मशहूर है। तस्लीम आरिफ की आवाज में आप हजरत उमर फारूक का इंसाफ ये कैसेट सुन चुके हैं। बेटे की लाश पर दुर्रे लगवाने का वाकया, हजरत अबू शहवा का वाकया आप सुन चुके हैं। वही जिक्र शौक साहब ने यहाँ भी किया है। लीजिए और क्या क्या हुआ है सुने। मज़लूम खुश थे अब उन्हें राहत नसीब थी, फरियाद आप सुनते अमीरों गरीब की। उनका जलाल देख के बातिल दहल गया, ये देख के निजाम हर एक शाह जल गया। लेकिन उमर खलीफा ने परवाह कुछ न की, उनको रजा पसंद थी परवरदिगार की। सुन्नत रसूले पाक की करते थे वो अदा, वो चाहते थे कुफर को दुनिया से दे मिटा। इस्लाम के सिपाही भी सब हक पसंद थे, इस्लाम के सिपाही भी सब हक पसंद थे, इस्लाम के सिपाही भी सब हक पसंद थे। फजले खुदा से उनके इरादे बुलंद थे, फजले खुदा से उनके इरादे बुलंद थे, फजले खुदा से उनके इरादे बुलंद थे, फजले खुदा से उनके इरादे बुलंद थे। दहल गए। इस्लाम के सिपाही भी सब हक पसंद थे, फजले खुदा से उनके इरादे बुलंद थे। लेकिन उसी जमाने में
ईरान का एक बादशाह जो बहुत मगरूर था, जब उसको इस्लाम की दावत दी गई तो वो भड़क उठा और फिर क्या हुआ समाज कीजिए। ईरानी बादशाह था मगरूर, इस कदर इस्लाम के खिलाफ दिखाता था करो पर, दावत दी उसको दीन की तो वो भड़क उठा, यानी वो जंग करने को तैयार हो गया। जब हद से ज्यादा बढ़ गया ईरानी हुक्मरान, हजरत उमर ने कर दिया लश्कर वहां रवा। ईरानियों को फौज की कसरत पे नाज था, उन जालिमों को ताकतो दौलत पे नाज था। वो सोचता था मोमिनों की होगी तबाही, समझा वो क्या करेंगे मोहम्मद के सिपाही। मोमिन थे बहुत थोड़े मगर गम न था उन्हें, मरने से नहीं डरते थे वो हक की राह में। कामिल भरोसा था उन्हें अल्लाह पाक पर, आती थी हर एक हाल में उनको फतह नजर। उनको था ये यकीन अगर मार जाएंगे, शहीद जन्नत फिर तो सुपाएंगे, होंगे शहीद जन्नत फिर तो सुपाएंगे, होंगे शहीद जन्नत फिर तो सुपाएंगे, होंगे शहीद जन्नत फिर तो सुपाएंगे। ईरानियों को फौज की कसरत पे नाज था, उन जालिमों को ताकत और दौलत पे नाज था। वो सोचता था मोमिनों की होगी तबाही, समझा वो क्या करेंगे मोहम्मद के सिपाही। लेकिन मोमिन थे बड़े थोड़े मगर गम न था उन्हें, मरने से नहीं डरते थे वो हक की राह में। कामिल भरोसा था उन्हें अल्लाह पाक पर, आती थी हर एक हाल में उनको फतह नजर। वो सोचते थे, उनको ये भरोसा था कि अगर हम मारे भी जाएंगे तो शहादत का दर्जा मिलेगा और जन्नतुल फिरदौस पाएंगे। यही सोचकर ईरानियों में और मोहम्मद के सिपाहियों में जंग छिड़ जाती है और आखिरकार क्या होता है समाप्त कीजिएगा। ईरानियों ने मोमिनों से जंग छेड़ दी, तकबीर कह के आगे बढ़े दीन के गाजी। ईरानियों के लड़ने की हसरत निकाल दी, लाशों पे लाश मोमिनों ने उनकी डाल दी। करता हूँ जंग मुख्तसर है मेरे दोस्तों, हालात सारे जंग की तारीख में पढ़ो। मैदान में मोमिनों ने वो जौहर दिखा दिए, ईरानियों के जंग में छक्के छुड़ा दिए। होती रही जो जंग तो अंजाम ये हुआ, दुश्मन का जो गुरूर था वो चूर हो गया। ईरानी शाह को भी कत्ल कर दिया गया, दरबार उसका कब्जे में सब ले लिया गया। शाही खजाना मोमिनों के हाथ जब लगा, हीरे जवाहरात बहुत मालो जर मिला। मोहरे असर की इतनी मिली ढेर लग गया, मोहरे असर की इतनी मिली ढेर लग गया। मोहरे असर की इतनी मिली ढेर लग गया, सब
मोमिनों ने शुक्र खुदा का अदा किया, सब मोमिनों ने शुक्र खुदा का अदा किया, सब मोमिनों ने शुक्र खुदा का अदा किया, सब मोमिनों ने शुक्र खुदा का अदा किया। इस जंग में मोमिनों की फतह होती है और ईरानी शाह मारा जाता है। उसके बाद जब उसके दरबार पर मोमिनों का कब्जा हो गया तो क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। परचम किले पे दीन का लहरा दिया गया, दरबार में मुजाहिदों ने पाया दाखिला, शाही महल में घुस गए इस्लामी सिपाही, शहजादी शहंशाह की उनको वहां मिली, देखा के उसके चेहरे पे कुछ ऐसा नूर है, मालूम ये हुआ खड़ी जन्नत में हूर है, पोशाक शाही पहने थी हीरों का हार था, उसका लिबास रेशमी और सरनिगार था, सूरत में नाक नक्शे में वो बेमिसाल थी, वो मैं जबी थी खूबरू जोहरा जमाल थी, देखा मुजाहिदों को तो वो कांपने लगी, समझी के जान आबरू इज्जत मेरी गई, देखा मुजाहिदों ने तो सर को झुका लिया, फौरन ही पीछे हट गए मुंह फेर कर कहा, मोमिन है हम पे कोई भी शक लाई ये नहीं, मोमिन है हम पे कोई भी शक लाई ये नहीं, मोमिन है हम पे कोई भी शक लाई ये नहीं, तुमको अमान देते हैं घबराइए 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 नहीं। इस तरीके से ईरानी किले पर मोमिनों का कब्जा होता है। जब ये मुजाहिद उस किले के अंदर दाखिल होते हैं तो ईरान के शहंशाह की बेटी इनको मिल जाती है और वो इन मुजाहिदों को देखकर घबराती है, लेकिन वो कहते हैं मोमिन है हम पे कोई भी शक लाइए नहीं, तुमको अमान देते हैं घबराइए नहीं। ये कौन शहजादी थी? ये शहजादी शहरबानो है। लीजिए हजरात, अभी इसके आगे का वाक्य यहां से समाप्त कीजिएगा। ये सुन के शहरबानों के दिल पर असर हुआ, बोली के आप लोग हैं सब नेक पाया, सच्चा तुम्हारा दीन है अच्छे उसूल है, बेशक है बड़ी खूबियां दीने रसूल में, बोली के गिरफ्तार करो
करते चलो, जो फर्ज है तुम्हारा उसे पूरा तुम करो। जब गाजियान दीन ने सब माल ले लिया, तब उन मुजाहिदों ने ये शहजादी से कहा, क्या चाहती हो आपको महलों में छोड़ दें, या साथ अपने शहर मदीना को ले चले, इज्जत से ले चलेंगे तुम्हें साथ अपने हम, होने ना देंगे रास्ते में तुमको कोई गम, इज्जत से सबको देखना है काम हमारा, हुरमत हमें सिखाता है इस्लाम हमारा। शहजादी शहरबानों पे ऐसा असर हुआ, शहजादी शहरबानों पे ऐसा असर हुआ, शहजादी शहरबानों पे ऐसा असर हुआ, बोली के हमको ले चलो तुम शहर मदीना, बोली के शहरबानों से वो मुजाहिद पूछते हैं, तुम यहीं रहना चाहती हो या हमारे साथ मदीने चलोगी? ये सुन के शहजादी शहरबानों कहती हैं कि हमको खुदारा शहर मदीना ले चलिए। उसके बाद वो मुजाहिद हजरत उमर फारूक जो उस वक्त खलीफा थे, आपके हुक्म का इंतजार करते हैं, और बिलाखिर हजरत उमर फारूक क्या फरमान भेजते हैं उन मुजाहिदों के पास ईरान को? समाप्त कीजिए। बोले मुजाहिदीन कोई हुक्म आने दो, तब तक खुशी के साथ अपने महल में रहो, जबके तमाम शहरियों को दी गई अमा, ईमान लाई शहर की मशहूर हस्तियां, पहुंची खबर उमर को के अज फजले की बुरिया, ईरान सारा मोमिनों फतह कर लिया, ईरानी शहनशाह कत्ल कर दिया गया, काफी खजाना शाह के महलों में है मिला, शहजादी है ईरान की एक नेक पारसा, हमने उसे अमा दी तो दिल उसका खुश हुआ, कहती है अपने शहर मदीना में ले चलो, दरबार खिलाफत में मुझे पेश तुम करो, मानूस नजर आती है इस्लाम दीन से, हमने अभी तो कह दिया उसमें जबीन से, दिल चाहे तो हो जाओ मुसलमान तुम अभी, फिर चैन से गुजारो यहाँ अपनी जिंदगी, कहती है पहले शहर मदीना को जाएंगे, जाकर दरे रसूल पे ईमान लाएंगे, जाकर दरे रसूल पे ईमान लाएंगे, जाकर दरे रसूल पे ईमान लाएंगे, जाकर दरे रसूल पे ईमान लाएंगे। Thank you.
उमर फारूक ने जब ये खबर सुनी तो उनका दिल खुश होता है और खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। उसके बाद क्या हुआ सामईन, ये बंद बगौर समाप्त कीजिएगा। हजरत उमर ने सुन के ये शुक्रे खुदा किया, सर आजजी से सजदे में अपना झुका दिया, कि अर्ज ए इलाही तू आली सिफात है, हम पे कसों की लाज फकत तेरे हाथ है। कासिद को फिर बुला के ये परवाना लिख दिया, सद मरहबा ईरान पे कब्जा तुम्हें मिला, इस्लाम के कानून को राइज वहां करो, अल्लाह की तौहीद को हर दम बयां करो, फितना फसाद कोई उठाए तो रोको ना, जालिम को किसी हाल में हरगिज ना छोड़ना, जो माले गनीमत है उसे जल्द भेज दो, जितने की जरूरत है उसे पास तुम रखो, बागे तराम भेज दो शहजादी को यहाँ, तकलीफ हो ना उसको मुसाफत के दरमियाँ। जब तक के मोमिनों की नजर पाक रहेगी, जब तक के मोमिनों की नजर पाक रहेगी, जब तक के मोमिनों की नजर पाक रहेगी, दुनिया में मुसलमानों की एक खाक रहेगी, बुलाकर हजरत उमर एक परवाना लिखते हैं जिसमें लिखा था कि इस्लाम के कानून को वहां राइज किया जाए, अल्लाह की तौहीद को बयान किया जाए, कोई भी फितना या फसाद उठाए तो उसको रोकना, और जालिम को किसी भी हाल में मत छोड़ना, जो माले गनीमत तुमको वहां मिला है उसे जल्द भेज दो, और जितने की तुम्हें जरूरत हो वहां अपने पास रख लो, और जो शहजादी ईरान है उसको बा एहतराम मदीना भेज दिया जाए, और उसको रास्ते में किसी तरह की तकलीफ न हो। जब तक के मोमिनों की नज़र पाक रहेगी, दुनिया में मुसलमानों की एक धाक रहेगी। जब ये परवाना वहाँ पहुँचता है ईरान के दरबार में उन मुजाहिदों के पास, तो क्या हुआ समाप्त कीजिए। परवाना जो ईरान में पहुँचा तो क्या हुआ, तहरीर पे परवाने की फौरन अमल हुआ, ईरान से एक मोमिनों का काफिला चला, जो माले गनीमत था सभी उसके साथ था, महमिल में एक ऊंट पे शहजादी थी सवार, बा एहतराम लेके चले उसको दीनदार, तकलीफ कोई राह में होने ना दी उसे, मानूस थी वो मोमिनों के इस खुलूस से, देखा ना उसका चेहरा किसी ने निगाह से, गैरत थी उनके दिल में भला कैसे देखते, फारूक ने मदीने में सबको बता दिया, ईरान फतह हो गया अज फजले किबरिया, एक काफिला शहजादी को अब लाएगा इधर, इस वास्ते सब अहले मदीना थे मुंतजर, देखा जो काफिला को गए लोग दौड़ कर, देखा जो काफिला को गए लोग दौड़ कर, देखा जो काफिला को गए लोग दौड़ कर, शुक्रे खुदाए पाक था सबकी जबान पर, शुक्रे खुदाए पाक था सबकी जबान।
सवार होकर बा एहतराम मदीने को चल पड़ती हैं। रास्ते में किसी भी तरह की कोई तकलीफ उन मुजाहिदों ने नहीं होने दी। खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने में ये सबको बता रखा था कि ईरान फतह हो चुका है और एक काफिला शहजादी को लेकर यहाँ आने वाला है। ये सुनकर मदीने के सभी लोग मुंतजर थे। देखा जो काफिला तो गए लोग दौड़कर, शुक्रे खुदाए पाक था सबकी जबान पर। और उसके बाद क्या होता है सुने। तकबीर के नारों से फिजा गूंजने लगी, सब मर्दों जन के दिल पे थी छाई हुई खुशी। जब मस्जिद नबवी पे रुका आके काफिला, सबने मुबारकबाद दी शुक्रे खुदा किया। मोमिन खुशी से इस तरह बाहम गले मिले, आते थे नजर उस जगह नजारे ईद के। फिर माले गनीमत वहां रखा निकाल कर, जब देखा शहर वालों ने खीरा हुई नजर। एक सोना चांदी मोहर अशरफी का ढेर था, एक हीरे जवाहरात का संदूक था भरा। ऐसी किसी भी जंग में दौलत न थी मिली, इस वास्ते सब मोमिनों को थी बड़ी खुशी। कुछ औरतें खुशी से उधर आई दौड़ कर, महमिल से शहरबानों को लाई उतार कर। जिस वक्त शाहजादी को देखा तो खुश हुई, बोली के ऐसी माहरू देखी नहीं कहीं। पहले तो शहरबानों ने गुस्लो गुसू किया, पहले तो शहरबानों ने गुस्लो गुसू किया। पहले तो शहरबानों ने गुस्लो गुसू किया, फिर रोज़े अतहर पे पढ़ा कलमा दीन का। शहरबानों को मदीने की वो औरतें देखती हैं तो कहती हैं कि ऐसी माहरू हमने पहले कभी नहीं देखी। इसके बाद हजरत शहरबानों को बाइज्जत मदीने में गुस्ल वुजू कराया जाता है और फिर शहरबानों रोज़े अथर यानी हुजूर सरवरे कायनात के रोज़े पर गुस्ल वुजू करने के बाद कलमा पढ़ती हैं दीन का। जब दीन का कलमा पढ़ लेती हैं उसके बाद हजरत उमर फारूक वो माले गनीमत जो इस जंग में मिला था वो सबको तकसीम करते हैं। और हजरत शहरबानों का क्या होता है आइए सुनते हैं। हजरत उमर ने माल को तकसीम कर दिया, हर एक सिपाही दीन का खुशहाल हो गया। मोहताज गरीबों को अता इतना कर दिया के मुफलिसी का बार उनके सर से टल गया। क्या खूब करम हो गया परवरदिगार का के सारा बैतुल माल खजाने से भर गया। सब कुछ हुआ तकसीम वो शहजादी रह गई। फरमाया शहरबानों से बारी है आपकी, तुम दाखिले इस्लाम हुई जाओ वतन को। ईरान जाके अपनी हुकूमत संभाल लो। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि तुम्हारी जो तमन्ना थी यानी दाखिले इस्लाम अब तुम हो चुकी हो, चाहो तो अब ईरान जाकर अपनी हुकूमत संभाल सकती हो। लेकिन शहरबानो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनकर क्या कहती हैं समाप्त कीजिए।
बोली वो हुकूमत की तमन्ना नहीं मुझे, अब मैं कहीं ना जाऊंगी आका के शहर से। सब खुश हुए शहजादी की तहसीन खूब की, हजरत उमर ने अपनी ये तजवीज पेश की। शहजादे इस्लाम को शहजादी दी गई, यानी के अमानत है ये हजरत हुसैन की, यानी के अमानत है ये हजरत हुसैन की, यानी के अमानत है ये हजरत हुसैन की, यानी के अमानत है ये हजरत हुसैन की। तरीके से वो माले गनीमत सब में तकसीम कर दिया जाता है, लेकिन शहजादी किसके हिस्से में आती हैं? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तजवीज पेश करते हैं कि शहजादे इस्लाम को शहजादी दी गई, यानी के अमानत है ये हजरत हुसैन की, यानी शहरबानों को हजरत इमाम हुसैन के निकाह में देने की तजवीज हजरत उमर ने पेश की। ये सुनते ही वहाँ जो आवाम मौजूद थे उन्होंने सद मरहबा कहा और तकबीर के नारों से सभी शहर गूंज उठता है। और आगे क्या होता है समाज कीजिए। ये सुनते ही आवाम ने सद मरहबा कहा, तकबीर के नारों से सभी शहर गूंज उठा। शहजादी भी खलीफा की मशहूर हो गई, इब्ने अली के नाम से मसरूर हो गई। ज़ैनब ने शहरबानों को समझा के ये कहा, तुम बादशाह की बेटी हो महलों की महलका, नाज़ो नियम से तुमने गुजारी है जिंदगी, जिद तुमने की तो हर तरह से पूरी की गई। मखमल पे चलने वाली हो तुम नाज़नीन हो, नाजुक मिजाज खूबरू हो मैं जबीन हो। पोशाक जर निगार तुमने पहनी है सदा, हीरे जवाहरात का जेवर तुम्हें मिला। सब नौकरों पे हुक्म चलाया है रात दिन, आराम ऐश महलों का पाया है रात दिन। फाका कशी में तुम यहाँ रहने ना पाओगी, फाका कशी में तुम यहाँ रहने ना पाओगी, फाका कशी में तुम यहाँ रहने ना पाओगी, कैसे भला दिन रात मशक्कत उठाओगी, कैसे भला दिन रात मशक्कत उठाओगी, कैसे भला दिन रात मशक्कत उठाओगी, कैसे भला दिन रात मशक्कत उठाओगी। इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब कहती हैं शहरबानों से कि तुमने हमेशा ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारी है, यहाँ फाका कशी में तुम कैसे रह पाओगी। ये सुनकर शहरबानों हजरत ज़ैनब से कहती हैं, क्या रो कर कहा शहजादी ने दिल तोड़िए नहीं, मांगूंगी भीख जाऊंगी हर किसना में कहीं। सब राज पाट दीन पे कुर्बान कर चुकी, मंजूर है
खुशी पापों की जिंदगी। ईमान मिला मुझको नसीबा बुलंद है, आले नबी के घर की गुलामी पसंद है। कंधा खुलूंगी अपना मैं पैबंद लगा कर, शिकवा ना कभी लाऊंगी अपनी जबान पर। इस शहर की जो खाक में मुझको मिला मजा, ईरान के महलों में कभी भी नहीं मिला। आराम नहीं मुझको मुसीबत पसंद है, हर शह से ज्यादा आपकी निस्बत पसंद है। खुश हो के हर तरह की मुसीबत उठाऊंगी, मैं फातिमा के लाल पे कुर्बान जाऊंगी। शहजादे अली हो तुम मिलते अर्जी कबूल हो, प्यारे नबी का वास्ता अर्जी कबूल हो, प्यारे नबी का वास्ता अर्जी कबूल हो, प्यारे नबी का वास्ता अर्जी कबूल हो। हजरात आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। शहजादी कहते कहते ये कदमों पे गिर पड़ी, ज़ैनब ने फिर गले से लगाया तो खुश हुई। हजरत अली ने बात खलीफा की मान ली, मंजूर रिश्ता कर लिया बेटे का बाखुशी। बाद अज़ नमाज मस्जिद नबवी में बैठ कर, सारे सहाबा थे अली हसनैन और उमर। बोले उमर हुसैन से आ जाओ अब उधर, सारे मदीने वालों की तुम पर ही है नजर। शहजादी शहरुबानों का जब इज्न मिल गया, शब्बीर का निकाह उमर ने पढ़ा दिया। शहजादी से हुसैन का जब अक्त हो गया, छुआरे लुटाए शादी से हर शख्स खुश हुआ। पहुंचा दिया शहजादी को घर में हुसैन के, दूल्हा दुल्हन को शादी के तोहफे दिए गए। अरे शौकूस दुल्हन की ये किस्मत तो देखिए, शौकूस दुल्हन की ये किस्मत तो देखिए, अरे शौकूस दुल्हन की ये किस्मत तो देखिए, दूल्हा मिले हुसैन ये अजमत को देखिए।